सर, मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है हर साल एक ना एक छक्का मार रही है, एंड दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारी फिल्मों की भी ज़रूरत है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो कि यूनिवर्सल ऑडियंस को एड्रेस कर सकें, और ये फिल्म एक यू नो नई लैंग्वेज है। ये फिल्म नए स्वरूप जो हमारी नया सिनेमा जो उभरेगा, इस यंग जनरेशन जो नया सिनेमा लेके आएगा, ये उसकी पहचान है। एंड ये फिल्म है जो हमें हॉलीवुड से कम्पीट करने को, इस तरह की फिल्में जो हैं जो हॉलीवुड से कम्पीट करने को हमें हिम्मत देंगे। इट्स द कनेक्शन इन द सब्जेक्ट इन द अडेप्टेशन इन यू नो द स्टाइल ऑफ मेकिंग द वे पीपल आर कनेक्टिंग इन द वे ही हैज कनेक्टेड टू द स्टोरी इन द वे ही एक्सप्लोर्ड इट, इट्स फैंटास्टिक। रीजनल सिनेमा ही मतलब जो है एक नए किस्म का सिनेमा क्रिएट कर रहा है। जितना हॉलीवुड और जो हिंदी सिनेमा है वो जितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, साथ में रीजनल सिनेमा भी हो रहा है, ताकि और मराठी सिनेमा उसका प्राइम एग्जाम्पल है। हर साल कोई ना कोई एक अच्छी फिल्म वहाँ से आ रही, और ये नई यंग जनरेशन जो है आई थिंक और कई जगह पे भी रीजनल सिनेमा ऐसे और फ्रेश सिनेमा के साथ उभरेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ये फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो हॉलीवुड का सिनेमा बहुत ज़्यादा देखता है, वो हमारी फिल्में कई बार नहीं देखता है। तो मुझे इसलिए लगा कि मैं इसका स्क्रीनिंग करवाता हूँ, और मेरे जितने बच्चों के दोस्त हैं और आसपास के लोग हैं सबको बुला के यंग जनरेशन को एक बार इसका टेस्ट देता हूँ, ताकि उनको पता चले कि हमारे सिनेमा में क्या हो रहा है। आई थिंक ये लर्निंग वर्निंग का मुझे पता नहीं, जिसका जो डायरेक्टर का जैसा टेम्परामेंट है वो लर्न करेगा, आई डोंट नो व्हाट टू से। सी न्यू कमर्स एक जिस तरह से डायरेक्टर उनको इस्तेमाल करता है, जिस तरह डायरेक्टर उनको यूज़ करता है कहानी के अंदर, वो बहुत फैंटास्टिक है, और दे हैव डन आउटस्टैंडिंग। सी दिस इज सर, ऐसा है जब तक कि जब ऑस्कर सिलेक्शन जब होता है और बाकी जब फिल्में आती हैं, तो आपको उन सबको देख के बोलना पड़ता है। आपका मन तो करता है, आपको इतनी अच्छी लगी है फिल्म का, आपको लगता है कि हाँ इसको बोल दो कि यार यही है। अब आगे क्या फिल्में आएंगी क्या नहीं आएंगी उसके बारे में हमें क्या पता, बट वो सिलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिल्मों के लिए, ठीक है, क्योंकि सिनेमा जितना डाइवर्स होता है उतना ऑडियंस के लिए अच्छा होता है और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है, और हमारी इंडस्ट्री उससे कोप अप नहीं कर पा रही है, वो बहुत इसीलिए हॉलीवुड की फिल्में इतना पैसा कमा रही हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सिनेमा नया ऐसा उभरेगा, और इस तरह ये सिनेमा जो है और नए सिनेमा को इंस्पायर करेगा, और इस तरह का सिनेमा बनता रहेगा, तो आई थिंक यू नो वो किसी को भी मात दे, लेकिन हमारा सिनेमा आगे बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग फिल्म अगेन, यू नो आई थिंक इट शुड हैव वन द नेशनल अवार्ड फॉर नाना जी, लेकिन एनीवे मैं तो थानी जूरी में। वो यस, मराठी सिनेमा में उमेश कुलकर्णी की फिल्में जब उन्होंने बनाना शुरू की थी, विहीर देउल और ये सब बनाई थी, तो मुझे पता चला कि वो बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, तब से मैं मराठी सिनेमा के टच में हूँ, उनमें देख रहा हूँ। छोटा फिर मैं क्या करूँगा यार, छोटे से रोल के साथ उनको बराबर का रोल चाहिए, उनके साथ काम करने का मजा आएगा। छोटे से रोल करेंगे तो हमें काम करने में मजा कैसे आएगा। उन्होंने मेरे लिए कहा होगा, उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे इरफान को अगर छोटा सा भी रोल मिला, आपको लेजेंडरी एक्टर कहा है। नहीं नहीं, वो भी लेजेंडरी है, उनकी बड़प्पन है वो। ओ यस सर, व्हाई नॉट, मुझे अगर अच्छा रोल मिलेगा, अच्छा डायरेक्टर मिलेगा, जरूर करूंगा मैं। ये मुझे नहीं पता, ये देखिए डायरेक्टर का टेक है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बता सकता, ये उनकी इच्छा है, वो बनाए ना बनाए, लेकिन ये फिल्म जितना स्प्रेड हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में उतना अच्छा है। बस हमारा दिल खुश हुआ है, मतलब जो बातें हुई वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, बट हमारा दिल खुश हुआ कि वो उन्होंने, क्योंकि देखिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी नया डायरेक्टर जो पहली फिल्म बनाता है और वो बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए दूसरी फिल्म बनाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जितना भी जो भी उसके पास खजाना था वो पहली फिल्म में जो है वो सब एक्सपोज हो चुका होता है। दूसरी फिल्म इतनी सक्सेसफुल बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बात है किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर के लिए, और ये उसने नागराज ने किया है, एंड आई सल्यूट टू हिम। आई नो मदारी का ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, एंड बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, और आई होप फिल्म भी आपको पसंद आएगी और जल्दी आपको सामने ले जाएंगे। मतलब वाकई में बहुत ही रिमार्केबल है और बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा साइन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर होने चाहिए, ताकि हम उन मासेस तक पहुँचेंगे जिस मासेस तक ये सायरात पहुँची है। हमको ये हिंदी फिल्मों में करना चाहिए, और हिंदी फिल्मों में ये चीज़ लैक कर रही है। हम पता नहीं किसकी कहानियाँ सुना रहे हैं, वो लोग बहुत, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। हम मासेस तक हमारी हिंदी फिल्में नहीं पहुँच रही, और सायरात इज़ अ वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल, इट्स एन आई ओपनर। जितने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले, उनको इससे सीखना चाहिए। इफ़ यू सेइंग कमर्शियली इट माइट नॉट बी एबल टू, बट रीजनल सिनेमा, स्पेशली मराठी सिनेमा, इट यूज टू हैपन विद मलयालम सिनेमा एज वेल, द कॉन्टेंट इज़ वेरी वेरी गुड, इट इज़ वेरी फ्रेश एंड इट इज़ रियल।
it portrays real people, their problems, their anguish, their happiness, their festivals. So it is, especially Marathi cinema is very rooted, which is a very, very good thing and we should learn from it. साइराट के बारे में काफ़ी सुना है मैंने, सुना है कि बहुत अच्छी फिल्में, और आजकल ये दौर भी आया है कि मराठी सिनेमा सडनली दे आर टेकिंग ऑफ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं और काफ़ी सुनने को मिल रहा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी हिंदी सिनेमा भी कुछ मराठी सिनेमा, ओरिजिनल सिनेमा से सीखे, मराठी सिनेमा से सीखे और कुछ हम नया और कुछ आधुनिक करें। तो साइराट के बारे में तो काफ़ी मेरे दोस्तों ने फिल्म देखा है और बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तो आज मैं यहाँ पे हूँ, आई एम रियली एक्साइटेड कि इतना सुना है फिल्म के बारे में और आई जस्ट वांट टू गेट इन एंड गेट स्टार्टेड विद द फिल्म। दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट एंड दिस प्रूव्स दैट कि कंटेंट इज किंग, पीपल विल एक्सेप्ट कंटेंट। एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग डरते हैं क्योंकि फेलियर की डर होता है हमारे अंदर कि हम विल फेल, लेकिन दिस फिल्म एंड सम अदर फिल्म्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द मराठी इंडस्ट्री हैव प्रूवन दैट कंटेंट इज किंग एंड द ऑडियंस विल एंजॉय इट इफ इट्स अ गुड ऑनेस्ट फिल्म। बिल्कुल अभी मराठी सिनेमा करना चाहूँगा मैं। I'll learn the language and if there is a good offer or if somebody wants to take a chance with me, मैं बिल्कुल करूँगा मराठी फिल्म। अभी तो मेरी एक फिल्म कैबरे रिलीज़ हो रही है और एक और फिल्म आ रही है जुनूनियत जो 24 जून को रिलीज़ हो रही है, उसमें से छोटा सा एक स्पेशल अपीयरेंस है मेरा, तो ये है फिलहाल। और एक बच्चों की फिल्म है पिक्चर जिसकी शूटिंग जारी है, तो फिलहाल ये चल रहा है। हंटर सीक्वल तो ये हर्षवर्धन कुलकर्णी साहब जो है हमारे राइटर और निर्देशक, उनको पूछना पड़ेगा। ही वॉज अ लिटिल बिजी राइटिंग अनदर फिल्म फॉर हिज फ्रेंड विनील मैथ्यू, तो मैंने सुना है कि वो ख़त्म हो गई है फिल्म, लिख चुके हैं, तो आई थिंक आई एम वेटिंग बेसिकली, से मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, सब राधिका से भी बात हो रही थी मेरी, तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर हिम टू फिनिश राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड स्टार्ट शूटिंग। रीज़न ये है कि आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट रीजन क्या है पता नहीं है, मेरा तो काम हो गया है, मैं एक्टर, मैंने अपना काम कर दिया है, अब ये सवाल जो है आप ये प्रोड्यूसर से करें, लेकिन जितना मैंने उनसे सुना है कि वो एक इस फिल्म को, कैबरे को एक तरीके से पेश करना चाहते हैं, और पूजा भट्ट की फिल्म है तो ऑडियंस भी, दर्शक भी एक एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि फिल्म को इस तरह से एक प्रेजेंट किया जाएगा, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम रहे, 2 हफ्ते से वो आगे की तरफ धकेल दिया गया है।